हेलो फ्रेंड, मैं हूं बीएकदर इंस्ट्रक्टर बीआईटी सिनरी। आइए आज हम लोग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट डिजाइन करना सीखते हैं। तो ये हम लोग का मल्टीसिम सॉफ्टवेयर है। इसमें हम लोग कंपोनेंट को लाके ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे सर्किट डिजाइन करेंगे। तो ये हम लोग का नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम है। सेम इसी तरह का सर्किट हम लोग डिजाइन करेंगे। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन में दोनों में सिर्फ वन का डिफरेंस होता है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन आर ए बाय आर इन होता है और नॉन इन्वर्टिंग का वन प्लस आर ए बाय आर इन होगा। और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो है फेज शिफ्ट 180 डिग्री नहीं रहेगा, दोनों का फेज जो है सेम रहेगा। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में फेज शिफ्ट होगा 180 डिग्री का। तो आइए हम लोग सर्किट डिजाइन करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सारे कंपोनेंट को यहाँ पे हम लोग लाके ड्रॉप करेंगे और सर्किट डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे प्लेस एनालॉग में क्लिक करके एक हम लोग ऑपएम्प लेंगे। तो यहाँ ओपेम्प में क्लिक करेंगे और 741 ओपेम्प लेंगे, इसको यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ लाके ड्रॉप कर देंगे। इसको क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ से हम लोग प्लेस सोर्स पे क्लिक करेंगे और पावर सोर्स पे क्लिक करेंगे, डीसी पावर, और इसको ओके करेंगे और यहाँ लाके क्लिक करेंगे। तो डीसी पावर हम लोग दो लेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे ग्राउंड लेंगे, तो हम लोग तीन चार ग्राउंड ले लेंगे। और इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब हम लोग यहाँ से कंपोनेंट लेंगे। तो प्लस बेसिक में क्लिक करके रजिस्टर लेंगे, यहाँ पे रजिस्टर है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो हम लोग तीन रजिस्टर लेंगे, एक इनपुट के लिए, एक फीडबैक के लिए और एक लोड रजिस्टर के लिए। आज को यहाँ से क्लोज कर देंगे। फिर हम लोग सर्किट में एक सिग्नल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम लोग एक फंक्शन जनरेटर लेंगे और इसी से हम लोग सिग्नल देंगे और सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे। फिर हम लोग इस सर्किट का आउटपुट देखने के लिए एक सीआरओ लेंगे। तो यहाँ से हम लोग एक ऑसिलोस्कोप लेंगे और इसको यहाँ के लाके ड्रॉप कर देंगे। तो ये हम लोग सारा कंपोनेंट ले लिए। तो सबसे पहले हम लोग इस ओपेम्प को राइट क्लिक करके फ्लिप वर्टिकल कर देंगे और पिन नंबर 7 को हम लोग प्लस 12 वोल्ट कनेक्ट करेंगे और पिन नंबर 4 पे माइनस 12 वोल्ट। तो इसका नेगेटिव को पिन नंबर 4 पे और पॉजिटिव को ग्राउंड करेंगे। तो यहाँ पे इस ग्राउंड को राइट क्लिक करके फ्लिप वर्टिकल करेंगे और इसको पॉजिटिव साइड कनेक्ट कर देंगे। रजिस्टर का वैल्यू को डबल क्लिक करके हम लोग 10 किलो ओम इस पे सेट करेंगे और लेबल को यहाँ पे आर इन सेट करेंगे और इसको ओके कर देंगे। फिर फीडबैक रजिस्टर का वैल्यू को भी डबल क्लिक करके इसका वैल्यू हम लोग 100 के रखेंगे और यहाँ पे लेबल पे जाके इसको आर एफ कर देंगे। तो अब इस सर्किट का गेन जो है फीडबैक रजिस्टर का वैल्यू हो गया 100 के और आर इनपुट हो गया 10 के, तो इस सर्किट का गेन जो होगा वो 11 के होगा।
नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर का गेन हमेशा इनवर्टिंग से 1 ज्यादा होता है, तो इसका गेन होगा 11, तो ये 11 टाइम्स एम्पलीफाई करेगा सिग्नल को। तो इसको हम लोग अरेंज करके कनेक्शन करते जाएंगे, तो यहाँ पे जब डॉट आएगा तो डॉट पे एक बार क्लिक करेंगे और फिर इस पॉइंट पे लाके क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। फिर फीडबैक रजिस्टर को एक इनपुट पे और एक आउटपुट पे कनेक्ट करेंगे। R3 ये हम लोग का लोड रजिस्टर है, इसको भी हम लोग डबल क्लिक करके इसका वैल्यू को चेंज कर देंगे को 10 किलो ओम, और यहाँ लेवल पे क्लिक करके इसका वैल्यू को हम लोग लेवल को हम लोग चेंज कर देंगे, RL कर देंगे। इसको राइट क्लिक करके 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे, इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाएंगे, इसको आउटपुट पे कनेक्ट कर देंगे। फंक्शन जनरेटर पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी इसका 100 हर्ट्ज कर देंगे और इनपुट एम्पलीट्यूड जो है इसको 5 मिली वोल्ट पीक रखेंगे। इसी सिग्नल को हम लोग एम्पलीफाई करेंगे, इसको इधर क्लिक करके इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हम लोग का ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को हम लोग पिन नंबर 3 पे कनेक्ट करेंगे और मिडिल वाला पॉइंट को हम लोग यहाँ पे ग्राउंड कर देंगे और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का इनपुट को हम लोग यहाँ पे ग्राउंड पे कनेक्ट कर देंगे। और ये सीआरओ का चैनल ए को हम लोग आउटपुट में कनेक्ट करेंगे और इसका एक पॉइंट को यहाँ पे ग्राउंड कर देंगे और चैनल बी को हम लोग इनपुट में कनेक्ट करेंगे और एक पॉइंट को यहाँ पे ग्राउंड कर देंगे। तो ये हम लोग का सर्किट कंप्लीट हो गया। तो आइए अब हम लोग इसको रन करते हैं। तो अब सर्किट का गेन है हम लोग का 11, तो ये 11 टाइम्स एम्पलीफाई करेगा सिग्नल को। तो यहाँ से हम लोग इसको रन करेंगे और ऑसिलोस्कोप पे डबल क्लिक करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे सिग्नल आएगा। तो अब हम लोग का सिग्नल यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसको हम लोग एसी मोड पहले चेंज करेंगे, फिर यहाँ पे भी चैनल बी को भी एसी मोड और चैनल ए का वोल्ट पर डिवीजन को चेंज कर देंगे, इसको हम लोग इसको हम लोग 20 मिली वोल्ट और चैनल बी को भी 20 मिली वोल्ट सेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग का दोनों इनपुट और आउटपुट सिग्नल एक साथ दिख रहा है। चैनल बी का स्केल को हम लोग और थोड़ा कम करते हैं, ये रेड वाला सिग्नल इनपुट है और ये ब्राउन कलर का सिग्नल जो है ये हम लोग का आउटपुट है। तो ये सिग्नल जो है 11 टाइम्स एम्पलीफाई हुआ है। तो आइए हम लोग इसको मेजर करके देखते हैं। और अभी हम लोग दोनों इनपुट और आउटपुट सिग्नल को अगर देखेंगे, दोनों सिग्नल का जो है फेज डिफरेंस 0 है, दोनों सेम फेज में है। इनपुट सिग्नल भी यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो आउटपुट सिग्नल भी हम लोग का, इसको पहले हम लोग यहाँ से स्टॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इनपुट सिग्नल हम लोग का 0 से स्टार्ट हुआ है रेड वाला सिग्नल, तो आउटपुट भी हम लोग का यहीं से स्टार्ट हुआ है और ये दोनों सेम फेज में है और इसका दोनों का फ्रीक्वेंसी जो है हम लोग का सेम होगा, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड जो है सेम है। तो आइए इसको पहले हम लोग इसका एम्पलीट्यूड मेजर करके देखते हैं। तो यहाँ से कर्सर को यहाँ पे लाएंगे हम लोग, और एक पीक पे रखेंगे और एक यहाँ पे जीरो पे है। तो देखिए अभी हम लोग का लगभग
यहाँ पे 53.66 मिली वोल्ट ये एम्पलीफाइड आउटपुट आ रहा है, और हम लोग जो इनपुट दे रहे हैं वो है हम लोग का 5 मिली वोल्ट पीक। तो 5 मिली वोल्ट को 11 टाइम्स एम्पलीफाई करेंगे तो 55 मिली वोल्ट आएगा। तो ये लगभग हम लोग का यहाँ पे 53.655 मिली वोल्ट आ रहा है। एग्जैक्ट जीरो पे सेट नहीं हो रहा है इसलिए ये प्रॉपर सिग्नल नहीं शो कर रहा है, नहीं तो ये 55 कुछ इसका एम्पलीट्यूड होगा। तो अब ये हम लोग का दोनों सिग्नल इन फेज में है, और इसका टाइम भी देखिए ये यहाँ से जीरो से स्टार्ट होकर के यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, 2 डिवीजन कवर किया है। तो आउटपुट सिग्नल भी हम लोग का 2 ही डिवीजन कवर किया है, तो इसका टाइम पीरियड जो होगा इनपुट और आउटपुट का सेम होगा। तो इस तरह से हम लोग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का स्टडी करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।